हाँ, तो हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। एक बेसिक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। मैंने कल इसके अंतर्गत स्टार्टिंग के जो अधिनियम है वो बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 4 बताए थे जो 20-20 साल के अंतराल से आए हैं। उसमें पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। ये चारों चार्टर एक्ट मैंने बता दिए थे। इसके बाद मैंने बताया था 1858 का अधिनियम, और इसके बाद तो दो परिषद अधिनियम बताए थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इतना मैंने कल बताया था। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं जो है इनका उल्लेख आता है, तो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी पूछ सकता है और पॉलिटी के अंतर्गत भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिक समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जो टॉपिक है संवैधानिक विकास का, ये हमें जरूरी पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद आगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि तीन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं, 1861, 1892, 1909। इनको भारत परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई, विधान परिषदों का विकास हुआ है, इसलिए इनको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया है। मार्ले मिंटो, ये दो नाम है जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, लॉर्ड मार्ले ये भारत सचिव थे उस समय इंडिया के, लॉर्ड मिंटो सेकंड ये वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर के जो है ये दस्तावेज बनाया था, ब्रिटिश संसद ने इसको पास किया, इसलिए इसका नाम उन दोनों के नाम पर रख दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार। इसका जो पर्पज बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो मुस्लिम वर्ग है उसको ब्रिटिश सरकार अपने पक्ष में करना चाहता था, तो ये इस खास पर्पज से ये जो है अधिनियम पास किया गया। इसका उद्देश्य यही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करना, ये खास इसका पर्पज था। इसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जो है मिंटो सेकंड से जाकर के मिले थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई हमारे लिए कुछ करें, ब्रिटिश सरकार कुछ हमारा करे, ध्यान दे। तो वो जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए, मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए एक खास प्रावधान किया गया, और वो प्रावधान कहा जाता है पहला पॉइंट, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ये एक बड़ा प्रावधान था और यही विवादित प्रावधान था, इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मुस्लिम वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया, तो 1909 का अधिनियम इसके लिए जाना जाता है। तो यहीं से जो है बाद में सांप्रदायिकता का बीजारोपण होता है, यानी सांप्रदायिकता की नींव यहां से पड़ी। पृथक प्रतिनिधित्व को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। तो इसके तहत जो है मुस्लिम वर्ग को एक निश्चित क्षेत्र दे दिए गए, और उन क्षेत्रों से केवल मुस्लिम वर्ग ही चुनाव लड़ सकता था और जीत सकता था, यानी और कोई वर्ग जो है उन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो इसको कहा गया पृथक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ से जो है मुस्लिम वर्ग को अलग कर दिया गया है ना, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है अलगाव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति। इसके पहले लॉर्ड कर्जन ने जो है नीति अपनाई थी बंगाल का विभाजन करके, और इसके बाद जो है यहाँ पर
ये प्रावधान किया गया, तो इसके पीछे वजह वही थी, फूट डालो शासन करो की नीति। ठीक है, चूंकि मिंटो सेकंड को इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय दिया गया है, मिंटो सेकंड उस समय वायसराय था इंडिया में, इसलिए इसको भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसी प्रावधान से आगे चल करके भारत और पाकिस्तान दोनों विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान एक बड़ा प्रावधान, इसलिए यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रावधान इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विधायिका के जो सदस्य थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दे दिया गया। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में, पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि 1892 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार जो है विधायिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उस समय पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में कोई प्रश्न किया गया तो उससे क्रॉस क्वेश्चन पहले नहीं कर सकते थे, अब यहां पर कर सकते। जैसे मैं उदाहरण दूं, इसे पूछा गया कि भाई मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार अब तक दिया गया है, तो ये तो हो गया प्रश्न। इसी से पूरक प्रश्न कैसे हम पूछ सकते हैं, महिलाओं को अभी तक कितना रोजगार मिला है, कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया, ये उसका क्रॉस क्वेश्चन है, पूरक प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहां पर प्राप्त हो गया। अभी ये सारे अधिकार जो है विधायक के सदस्यों को प्राप्त है। मैं ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये संवैधानिक विकास का, तो उस समय मैं एक एक का विकास आप लोगों को बताऊंगा, विधायिका का विकास कैसे हुआ, कार्यपालिका का विकास कैसे हुआ, न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ, और विधायिका के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों में वृद्धि कैसे हुई, लोक सेवा आयोग का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम अलग से आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रावधान है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया पहली बार, और एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सारे सदस्य ब्रिटेन की हुआ करते थे अभी तक, तो इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह के पहले जो भारतीय थे, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कहे जाते हैं एसपी सिन्हा। और एसपी सिन्हा जो है ये पहले भारतीय गवर्नर भी थे, गवर्नर के पद पर, यानी राज्यों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको हम राज्यपाल बोलते हैं, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, पहले गवर्नर ही उनको कहा जाता था। तो पहले भारतीय गवर्नर जो है एसपी सिन्हा थे, मतलब दोनों में इनका नाम आता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय जो सदस्य थे वो एसपी सिन्हा थे, और पहले भारतीय गवर्नर भी इन्हीं को माना जाता है ना, ब्रिटिश काल में पहले भारतीय गवर्नर भी यही थे। तो इस तरीके से ये है भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ली मिंटू सुधार 1909, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे है अगला भारत शासन अधिनियम 1919, इसका नाम मॉन्टेग्यू चेंजफ्रो सुधार भी पड़ा है, या कहा जाता है इसको मॉन्टेग्यू चेंजफ्रो सुधार। यहां जैसे हमने मार्ली मिंटू सुधार पड़ा है वैसे ये है, दो नाम यहां पर भी वैसे ही है, जैसे मार्ली मिंटू नाम है। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे, तो इन दोनों ने मिलकर के ये दस्तावेज बनाया और इसको ब्रिटिश संसद ने पास किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य यहां पर लिखा हुआ है भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना। भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने का मतलब यहां पर यह है कि भारत में इस तरह की सरकार स्थापित करना जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के हितों का ध्यान रखने वाली, जनता की हितैषी हो, इस तरह की सरकार को गठित करना। ऐसी सरकार कौन सी होगी, ऐसी सरकार होगी निर्वाचित सरकार, इसलिए यहां से जो है निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचन की यहां से स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है, यानी निर्वाचित सरकार यहां से गठित होना स्टार्ट हुई। ये जो अधिनियम है ये अधिनियम एक घोषणा पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं अगस्त घोषणा, है ना। इस अधिनियम को किस पर आधारित माना गया है, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, या इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है,
पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हिस्ट्री के अंतर्गत इसको पूछा जाएगा, इसका समय पूछा जाएगा, इसका समय है 20 अगस्त 1917 ना, इसका समय पूछ सकता है। कि ये पूछ सकता है कि अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी, या अगस्त घोषणा को किस और नाम से जाना जाता है, ये घोषणा कब की है, इसका इसकी डेट, इसका ईयर आपको पूछ सकता है, है ना। तो अगस्त घोषणा का जो समय है वो 20 अगस्त 1917 का समय है, ठीक है। तो ये आपको डेट ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू द्वारा जो उस समय वायसराय थे, उस समय भारत सचिव थे, उन्होंने जो ये घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना है, यानी हम इस तरह की सरकार भारत में स्थापित करना चाहते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये जो है खास घोषणा की गई थी, इसीलिए इस अधिनियम का उद्देश्य डिसाइड किया गया है भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना। तो ये अगस्त घोषणा पर आधारित ये अधिनियम माना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है ये किस पर आधारित है, है ना। तो किस पर आधारित है, ये अगस्त घोषणा पर आधारित माना जाता है। इसके बाद आगे इसके प्रावधान हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई है, इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था इंग्लिश में बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम। कभी कभी जो है हिंदी में कुछ अदर वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है एक ही वर्ड रहता है, यानी आपको अगर द्विसदनीय व्यवस्था कुछ और भी हिंदी में लिखते हैं तो आपको इंग्लिश ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसको द्विसदनीय, इंग्लिश में बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है। तो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र की जो विधायिका थी जिसको केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया, है ना, केंद्रीय विधायिका को केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, जिसको आज हम संसद बोलते हैं। तो इसका जो उदय है, मैंने आप लोगों को बताया था केंद्रीय विधान परिषद यानी केंद्रीय विधायिका का जो उदय है वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ है, ठीक है। तो पहले जो है जब इसका उदय हुआ तो उसमें कोई अलग अलग दो सदन नहीं थे, केवल एक ही था केंद्रीय विधान परिषद। यहां पर यानी 1919 का जो अधिनियम है इसके तहत केंद्र की विधायिका के दो सदन बना दिए गए, इसी को हम कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम। द्विसदनीय व्यवस्था में क्या हुआ, केंद्र के दो सदन हो गए, केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा सदन राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा के जो गठन है नवंबर 1920 में हुआ, क्योंकि इस समय चुनाव हो गए थे, पहले चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव समय हुए ना। केंद्रीय विधानसभा को आज हम लोकसभा बोलते हैं और राज्य परिषद को आज हम बोलते हैं राज्यसभा। संविधान में इनको इसी नाम से जाना गया है, आज हम लोकसभा राज्यसभा इनको जानते हैं। तो ये है इस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के जो गठन नवंबर 1920 में हुआ, क्योंकि इस समय चुनाव हुए थे। संपूर्ण विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, दूसरा इसका प्रावधान है कि संपूर्ण जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय जैसे अभी संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनको पहले केंद्रीय विषय कहा जाता था, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय भी आते हैं उनको पहले प्रांतीय विषय कहा जाता था। केंद्रीय विषय के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संघ की विधायिका को था, और राज्य प्रांतीय विषय के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार था वो प्रांतीय विधायिका को था, ठीक है। तो इस तरीके से दो विषय थे, आज इन्हीं को हम तीन विषयों में हम बांटते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई, प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायऑर्की सिस्टम। प्रांतों में द्वैध शासन, इसको इंग्लिश में डायऑर्की सिस्टम कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं डायऑर्की सिस्टम।
और इसके तहत डायर्की, हाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये डायर्की मैंने ऐसा लिखा है। तो डायर्की सिस्टम जो है लागू किया गया, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके तहत जो है प्रांतीय जो विषय उनको दो भागों में बांट दिया गया है। दो विषय कौन कौन से थे, हस्ताक्षर आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित को रिजर्व बोलते हैं और हस्तांतरित को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफर्ड। जो दया शासन की जो व्यवस्था थी, इसको जो है, इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लियोनस कार्टियस, है ना। इनका आपको नाम पूछ सकता है, तो प्रांतों में दया शासन के जनक लियोनस कार्टियस कहे जाते हैं। और ये जो व्यवस्था थी, इसके तहत जो प्रांतीय विषय थे पुनः उनको दो भाग में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित जो विषय थे ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे ना, आरक्षित विषय ज्यादा महत्व के विषय हुआ करते थे। इन पर विधि बनाने का जो अधिकार था वो जो है गवर्नर, इन पर निर्णय लेने का अधिकार, इनके संबंध में निर्णय लेने का जो अधिकार था वो गवर्नर को था। और गवर्नर जो है इसके, इनके संबंध में निर्णय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के परामर्श से लेता था, है ना। आरक्षित विषय ज्यादा महत्व के विषय हुआ करते थे, इनके संबंध में अगर कोई निर्णय लेना है तो गवर्नर निर्णय लेता था। और गवर्नर किसके सहयोग से निर्णय लेता, किसके सपोर्ट से लेता था, तो उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्यों के परामर्श से निर्णय गवर्नर द्वारा लिया जाता था, है ना। तो ये निर्णय के संबंध में यहाँ पर मेंशन किया गया है, निर्णय, ठीक है। आरक्षित हस्तांतरित विषय जो होते थे वो कम महत्व के विषय हुआ करते थे, है ना। आरक्षित विषयों की अपेक्षा कम महत्व के विषय हुआ करते थे, तो हस्तांतरित विषय थे। इनके संबंध में गवर्नर को अगर कुछ निर्णय लेना है तो वो चुने हुए प्रतिनिधियों की सहायता से लेता था। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हस्तांतरित जो विषय होते थे उनके संबंध में अगर गवर्नर कोई निर्णय लेना है तो वह चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कोई निर्णय ले सकता था। तो ये है निर्णय लेने के संबंध में प्रावधान। लेकिन ये जो व्यवस्था थी प्रांतों में दया शासन की जो व्यवस्था थी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा विवादित थी। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी प्रावधान ज़्यादा विवादित रहा है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है 1919 का जो अधिनियम, उसके तहत जो प्रांतों में मुस्लिम वर्ग को जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, उसका भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये विवादित क्यों थी, क्योंकि जो ये जो विभाजन किया गया था आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों के संबंध में जो भी विभाजन किया गया था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कैसा था, इसमें विभाजन जो है बहुत अलग तरीके से किया गया था, दो संबंधित विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। जैसे मैं कहूं कृषि और सिंचाई, कृषि को उन्होंने रख दिया आरक्षित विषय में, सिंचाई को रख दिया हस्तांतरित विषय में। तो ऐसी स्थिति में जो है, चूंकि संबंधित विषय है तो इनको लेकर के निर्णय लेने में काफी कठिनाई होती थी। ऐसे ही जैसे उद्योग और खनिज, उद्योग को रख दिया आरक्षित विषय में, खनिजों को रख दिया हस्तांतरित विषय में। तो परस्पर संबंधित विषयों को अलग अलग कर दिया गया तो इसको, इससे जो है निर्णय लेने में काफी कठिनाई आती थी। इसलिए जो है प्रांतीय जो शासन था वहां पर जो है शासन करना बहुत कठिन हो गया था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और इस व्यवस्था को आगे चल करके 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दया शासन समाप्त हो गया था, प्रांतियों को स्वायत्तता 35 के अधिनियम में प्रदान कर दी गई थी, इसका उल्लेख हम आगे करेंगे। यहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन स्टार्ट हो जाता है भारत में। प्रत्यक्ष निर्वाचन की स्टार्टिंग यहीं से हुई, और जैसा मैंने बताया था कि 1920 में चुनाव हुए, और इसके बाद लास्ट चुनाव जो 1935 के अधिनियम तहत हुए, तो 1945 में हुआ। ये क्वेश्चन भी हमारे MPPSC प्री में आ चुका है, उसका जिक्र भी आगे करेंगे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था 1892 के तहत भारत में निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। भारत में निर्वाचन की जो स्टार्टिंग वैसे मानी जाती है वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से मानी जाती है, लेकिन उस समय चुनाव कैसा हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यहां से प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जनता द्वारा वोट करना, जनता द्वारा वोट के माध्यम से जो है किसी प्रतिनिधि को चुनना। लेकिन जो वोटिंग का अधिकार था बहुत सीमित था, कुछ ही लोगों को वोट करने का अधिकार था, तो सभी को वोटिंग का अधिकार अभी नहीं था, धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये हो गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियन को
पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मैंने आप लोगों को अभी बताया था 1909 के अधिनियम में मुस्लिम वर्ग को यह अधिकार मिला पृथक प्रतिनिधित्व का। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध के बावजूद जो है ये अधिकार कुछ और वर्गों को दे दिया गया। वो वर्ग थे सिखों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियंस को ये अधिकार दे दिया गया, जो सबसे पहले मुस्लिम वर्ग को प्रदान किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व किसके तहत प्रदान किया गया, या सबसे पहले पृथक प्रतिनिधित्व किस वर्ग को प्रदान किया गया। ठीक है, तो मुस्लिम वर्ग को सबसे पहले दिया गया 1919 के अधिनियम, इसके बाद भारतीय ईसाइयों, सिखों, एंग्लो इंडियंस को भी यह अधिकार मिल गया था। इसके बाद विधायिका के सदस्यों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। देखो यहां पर भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं, विधायिका के सदस्यों को सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार मिला 1892 के अधिनियम के तहत, फिर उनको पूरक प्रश्न का अधिकार मिला, सार्वजनिक मामलों में बहस करने का अधिकार भी 1909 के अधिनियम में मिल गया था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और सार्वजनिक जो मामले थे उनमें बहस करने का अधिकार उनको मिल गया। और यहां पर आकर के 1909 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में विधायक के सदस्यों को मतदान का अधिकार भी मिल गया था, जो आज है। तो आज विधायक के सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस कर सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। राज्यों को पृथक बजट रखने का अधिकार मिल गया था। पहले राज्य अपना अलग बजट नहीं रख पाते थे, पहले केंद्र द्वारा ही जो है पूरे भारत के लिए बजट रखा जाता था। 1860 में भारत में बजट की स्टार्टिंग हुई है। लॉर्ड कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट रखा था 1860 में, और उस समय जो है केवल एक ही बजट रखा जाता था केंद्र स्तर पर, पूरे भारत में एक ही बजट रखा जाता था। बाद में फिर रेल बजट अलग हो गया, अभी फिर वापस से रेल बजट आम बजट में मर्ज हो गया है। तो अभी जो है दो बजट रखे जा रहे हैं, एक तो केंद्र का बजट होता है और राज्यों का बजट होता है। तो राज्यों को अपना अलग बजट रखने का अधिकार यहां से प्राप्त हो गया। इसमें एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ना, इसके तहत जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन 1926 में किया गया था, सरोज बारकर की अध्यक्षता में जो है 5 सदस्यीय एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये एक ही आयोग था, अलग अलग नहीं था, प्रांतों के लिए केंद्र के लिए अलग अलग आयोग नहीं था, पूरे भारत के लिए केवल एक ही आयोग था जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित किया गया। एक बार एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि भारत में लोकसेवा के गठन का सर्वप्रथम प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, ऐसा करके प्रावधान ये क्वेश्चन आया था मेंस में 3 नंबर। तो भारत में लोकसेवा के गठन के संबंध में सबसे पहले जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया, और इसके तहत एक लोकसेवा गठित भी हो गया 1926 में, और उसके अध्यक्ष थे सरोज बारकर। फिर 1935 का जो अधिनियम है उसमें संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग, दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये इस तरीके से ये प्रावधान ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और ये जो 1927 में साइमन कमीशन इस तरह का आयोग बना था, है ना, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, लेकिन इसमें किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, सदस्य नहीं बनाया गया, इसलिए भारत आने पर इसका विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, इसी से संबंधित एक घटना है, लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, वो शहीद हो गए थे, पुलिस लाठीचार्ज के दौरान वो मारे गए थे, वो जो है लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इस तरीके से जो इससे जुड़ी घटना है, तो साइमन कमीशन जो गठित हुआ 1927 में, वो जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था, है ना। हालांकि इसका गठन 10 वर्ष बाद यानी 1929 में होना चाहिए, लेकिन गठन करना पड़ा 1927 में, यानी 2 साल पहले गठित हो गया, क्योंकि इसके जो कुछ प्रावधान थे वो बहुत ज़्यादा विवादित थे, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसलिए इसका गठन 2 साल पहले कर दिया गया, है ना। खासतौर से प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो लागू की गई थी वो बहुत ज़रा विवादित हो गई थी, उसकी समीक्षा के लिए खासतौर से यह अधिनियम लाया गया। इसके बाद इसमें ये प्रावधान है, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो जाता है ना, महिलाओं को पुरुषों को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। तो
पर्टिकुलर अगर हम देखें तो मद्रास बंबई में 1921 में महिलाओं को अधिकार मिला, लेकिन भारत में अगर हम कहें तो 1926 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। 1926 में भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। पर्टिकुलर अगर प्लेस में देखें तो बंबई मद्रास में इसकी स्टार्टिंग 1921 से हो गई थी, लेकिन ऑल इंडिया पूरे भारत में इसकी स्टार्टिंग 1926 से मानी गई है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का जो अधिकार देने वाला लोकतांत्रिक देश माना जाता है न्यूजीलैंड, 1893 में ये अधिकार न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया था। तो पहला लोकतांत्रिक देश जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया वो न्यूजीलैंड है। नॉर्वे विश्व का पहला स्वतंत्र देश जहां पर महिलाओं को मताधिकार मिला था वो है 1913। न्यूजीलैंड जो है उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था जब ये अधिकार मिला था, लेकिन नॉर्वे जो है पहला स्वतंत्र देश माना जाता है जिसने महिलाओं को ये अधिकार मत देने का अधिकार दिया, 1913 की बात है। लेकिन ओवरऑल लोकतांत्रिक देश न्यूजीलैंड माना जाता है जब महिलाओं को ये अधिकार मिला जिसने अधिकार दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, इस अधिनियम के तहत भारतीय विधायिका का जो अंतिम चुनाव है वर्ष 1945 में हुआ था, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम हम पढ़ेंगे आगे उसके तहत चुनाव नहीं हुए, उसके तहत भारत में कोई चुनाव नहीं हुए थे, इसीलिए जो है 1919 के अधिनियम के तहत ही चुनाव होते रहे और 1945 में इसका आखिरी चुनाव हुआ। इसके बाद 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद चुनाव भारत में हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन MPPSC में एक बार पूछा गया है। इस अधिनियम के तहत पहला चुनाव हुआ था 1920 में भारत में हुआ है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक आज कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हम नेक्स्ट क्लास में 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल मैं अलग अलग सभी के विकास के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।